लंग्स फाइब्रोसिस ILD, इसमें हमारे जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। आज के वायरस के माहौल को देखते हुए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें जो ठीक हुए लोग होते हैं उनके जो फेफड़े हैं उनमें सिकुड़न पाई जाती है, उनके जो फेफड़े हैं वो साइज में छोटे हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक्यूप्रेशर बिंदु जिससे जो आपके फेफड़े सिकुड़ गए हैं, हार्ड हो गए हैं, उनका जो स्पॉन्जी करेक्टर होता है, जब भी हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़े जो है फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो फेफड़े हैं वो फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, ये जो फेफड़ों का स्पॉन्जी करेक्टर होता है वो कम हो जाता है, हमारे जो फेफड़े हैं लंग्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं, लोगों को लंबे समय तक सूखी खांसी रहती है, उनको चलने में थोड़ा सा चलने में ही उनकी सांस फूलने लग जाती है, बहुत ही जल्दी थकान हो जाती है। तो ये जो लंग्स का स्पॉन्जी करेक्टर कम हो गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो एक्यूप्रेशर बिंदु जिनको प्रेस करके, सिंपली दबाव देकर हम इस स्पॉन्जी करेक्टर को जो कम हो गया है, लंग्स जो सिकुड़ गए हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ वायरस एक कारण नहीं है, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों को जानने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। तो जो भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको किसी भी कारण की वजह से उनके फेफड़ों में सिकुड़न पाई गई है, उनको सांस फूलने लग जाती है, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोज अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके और कारणों की बात करें तो इसमें एज फैक्टर होता है, एज बढ़ने के साथ साथ हमारे जो लंग्स का, फेफड़ों का जो स्पॉन्जी करेक्टर होता है, फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ी, इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया, उनके साथ ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनके साथ भी ये समस्या आती है। इसके अलावा वो लोग जो घर में पेट्स रखते हैं, जानवरों को, बर्ड्स को पालतू बनाकर रखते हैं, या फिर कोई, कई बार ऐसा देखा गया है कुछ लोगों के घरों की विंडो में बर्ड्स जो हैं वो अपना घर बना लेते हैं, तो बर्ड्स की जो बीट होती है या बर्ड्स के जो पंख होते हैं उनकी वजह से भी कुछ लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है, ILD की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा घरों में जो सीलन होती है या फिर कूलर की जालियों की गंदगी होती है या फिर फंगस की वजह से भी कुछ लोगों में ये समस्या जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, स्क्लेरोडोमा है या फिर जोग्रेन सिंड्रोम है, इस टाइप से इन बीमारियों से ग्रसित लोगों के फेफड़ों में भी जो है सिकुड़न पाई जाती है। तो ऐसे में प्रिकॉशन के तौर पर आप बर्ड से, एनिमल से दूर रहें एंड इसके अलावा किचन में अगर आप काम करते हैं तो एग्जॉस्ट फैन यूज़ करें। इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। चलिए जल्दी से जानते हैं लंग फाइब्रोसिस में जो हमारे फेफड़े में सिकुड़न पाई जाती है उसमें एक्चुअल में हमारे फेफड़ों में होता क्या है। तो ये देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू होते हुए हमारे गले तक, गले से हमारे विंड पाइप से नीचे होते हुए, ये हमारे दो मेन एयरवेज होते हैं, ये देखिए, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, ये दो मेन एयरवेज से एंटर करती है हमारे लंग्स में एंड उसके बाद ये देखिए ये छोटे छोटे एयरवेज में डिवाइड हो जाती है। ये छोटे छोटे एयरवेज जो हैं इनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं एंड इन छोटे छोटे एयरवेज में ये एयर जाती है एंड उसके बाद ये तक मूव करती है जब तक, ये देखिए जो छोटे छोटे बलून्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम एल्वियोली कहते हैं, तो ये जब तक मूव करती है जब तक इन छोटे छोटे बलून्स तक नहीं पहुंच जाती। अब देखिए एल्वियोली के अंदर एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप जो मैंने इमेज अटैच की है उसे देखिए, ये जो गुब्बारे जैसे दिखने वाली एल्वियोलीज होती है ये चारों तरफ ब्लड कैपिलरी से घिरी होती है। एल्वियोलीज और जो ब्लड कैपिलरीज है उनके बीच में एक लेयर होती है जिसे हम इंटरस्टिशियल लेयर कहते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन उसके थ्रू पास होती है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से रिलीज होती है वो इस इंटरस्टिशियल लेयर के थ्रू पास होते हुए हमारे एल्वियोलीज में जाती है। तो ये इंटरस्टिशियल लेयर जो होती है बहुत ही पतली, बहुत ही थिन लेयर होती है, ये देखिए। तो जब कोई भी इन्फेक्शन की वजह से ये जो इंटरस्टिशियल लेयर है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये सूजन आ जाती है, ये मोटी हो जाती है। तो जब ये मोटी हो जाती है तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में पास हो पाता है, जिससे हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है एंड हमारी जो सांस है वो फूलने लगती है।
इसके अलावा जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है या फिर बहुत ज्यादा वेंटिलेटर पर रखा जाता है, तो ये जो इंटरस्टिशियल लेयर है इसमें ये फाइब्रोटिक हो जाती है। एंड फाइब्रोटिक का मतलब समझने के लिए आप देखिए, जब हमें चोट लग जाती है तो उसके ऊपर एक पपड़ी बन जाती है, एंड जब वो पपड़ी हटती है तो वहां की जो स्किन है वो सिकुड़ जाती है, वहां की जो स्किन है सिकुड़ जाती है, एंड उसके बाद उस स्किन में एक बाल भी नहीं उगता, यानी कि वहां की जो स्किन है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। उसी तरीके से जब ये हमारे इंटरस्टिशियल लेयर का कुछ पार्ट फाइब्रोटिक हो जाता है तो वहां का जो लंग्स के टिश्यू है वो वर्क करना बंद कर देते हैं, वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लंग्स का स्पॉन्जी करेक्टर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंड जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाता है तब हमें बहुत जल्दी थोड़ा सा काम करने पर ही थकान महसूस होने लगती है, थोड़ा सा काम करने पर ही हमारी जो सांसें हैं वो फूलने लग जाती है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं जा पाता। तो इस कंडीशन को हम लंग फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड इसके अलावा कुछ कुछ लोग इसे लंग्स में स्कार भी बोलते हैं। वीडियो के साथ साथ मैंने बहुत सारी इमेज अटैच की है ताकि आप प्रॉपरली जान सके कि किस तरीके से हमारा जो लंग्स का कुछ पार्ट है, हमारे लंग्स के कुछ टिश्यू हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं, हमारे जो एल्वियोलीज हैं वो प्रॉपरली सिकुड़ नहीं पाते, फैल नहीं पाते, हमारा जो लंग्स है उसकी स्पॉन्जी करेक्टर है, फैलने की क्षमता, सिकुड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, तो इसे ही हम लंग्स में फेफड़ों की जो सिकुड़न है वो कहते हैं। तो देखिए अब एक्यूप्रेशर में क्या उपचार है, एक्यूप्रेशर में कौन से बिंदु है जिनको हम प्रेस करके इस स्पॉन्जी करेक्टर को वापस रिवर्स कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड ध्यान से देखिए कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्यों हम इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाव दे रहे हैं और क्या इससे हमें फायदा होने वाला है। जो लोग एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में जानते हैं वो कई बार हमसे प्रोटोकॉल पूछते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल आपने इसमें यूज किया है, तो इसमें हम लंग्स की हुई डेफिशिएंसी एंड साथ ही साथ लिंग्स एंड स्टमक की डेफिशिएंसी का यूज करेंगे। तो देखिए कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, वन बाय वन मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बता रही हूँ, तो आप नोट करते जाइए। सबसे पहले हम आ जाते हैं हैंड के पाम साइड मिडल फिंगर, ये देखिए मिडल फिंगर के सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ की है। तो देखिए ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये मिडल फिंगर का फर्स्ट पोर, मिडल फिंगर के फर्स्ट पोर के बिल्कुल सेंटर में ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट SP3। एंड उसके बाद ये देखिए मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे, ये बिल्कुल इसी सेंटर वाली लाइन पर आएगा, फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे हमारा सेकेंड पॉइंट है, पॉइंट SP6। स्प्लीन मेरिडियन का पॉइंट है ये, दोनों ही पॉइंट SP3 SP6। एंड उसके बाद ये देखिए ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर, ना तो ये पॉइंट कॉर्नर पर है और ना ही ये पॉइंट इस सेंटर वाली लाइन पर है। तो देख लीजिए आप मिडल फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर, ना तो कॉर्नर पर एंड ना ये हमारा जो पॉइंट है वो सेंटर पर है, पर ये जो किस पार्ट में है, ये हाफ जो है ये उस पार्ट पे है जिसमें हमारी स्मॉल फिंगर की तरफ है, उस पार्ट में है, ये देखिए इस पार्ट में नहीं है जो हमारा थंब की तरफ है। तो ये तीन पॉइंट हमारे हो गए, ये पॉइंट है हमारा K6, किडनी मेरिडियन का पॉइंट है, पॉइंट K6। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, ये देखिए फोर फिंगर्स के बीच में से मैंने एक लाइन रुकी है, ये जो हैंड की ऑलरेडी लाइन होती है इसके जस्ट ऊपर हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट CV4, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट है ये। एंड उसके बाद ये देखिए इसी लाइन को हम बढ़ाते हुए नीचे ले आएंगे, एंड ये हमारी रिस्ट लाइन, एंड रिस्ट लाइन से 1.5 फिंगर अगर हम ऊपर आ जाएंगे तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट CV12। अगेन ये भी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट है, CV12। एंड उसके बाद ये देखिए इस सर्कल के अंदर ये जो कर्व होता है हमारे हैंड का, उसके अंदर एक और पॉइंट आएगा हमारा, तो ये देखिए मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। कई बार इमेज में ये जो लाइन्स है वो स्ट्रेट नहीं दिखती है, तो ये जो लाइन्स है वो स्ट्रेट है, तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है। एंड उसके बाद ये देखिए ये हमारे जो थंब का ज्वाइंट होता है, सेकेंड ज्वाइंट होता है, अगर हम इसका सेंटर पॉइंट ले लें, थंब का ज्वाइंट है उसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, उसके सेंटर पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, स्लांटिंग लाइन जो कि हमारी रिस्ट लाइन को टच कर रही है, इस लाइन को रिस्ट पर टच कर रही है ये लाइन, एंड ये लाइन जहां मिलती है वहां पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट CV17, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट है अगेन ये। तो तीन हमारे कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के पॉइंट है। तो हैंड के पाम साइड हमारे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट हमारे हैंड के पाम साइड आ जाते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं हम हैंड के बैक साइड। बैक साइड देखिए हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमारा थंब, थंब के बिल्कुल सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ की है। ये देखिए ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट जहां से हमारा थंब बेंड हो रहा है, एंड ये थंब का सेकेंड ज्वाइंट, एंड ये देखिए जहां हमारा थंब का ये ज्वाइंट है, मेन ज्वाइंट है, ये देखिए कर्व जहां आ रहा है इस एरिया का, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। साथ साथ इमेज भी अटैच की है, आप प्रॉपरली देख सकते हैं इन पॉइंट्स की लोकेशन। तो ये जो एरिया है, अगर हम इसका सेंटर पॉइंट निकालें तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ये देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो ये हमारा एक पॉइंट ये, एंड इसी के साथ अगर हम फिंगर की तरफ मूव करें तो इसी के साथ हमारे नेक्स्ट पॉइंट मिल जाता है यूबी 30, एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिल जाता है यूबी 37। तो ये तीन पॉइंट हमारे कंटिन्यूअसली इस तरीके से आते हैं। बहुत ही सिंपल है इन पॉइंट्स को लोकेट करना, एंड इसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है, ये देखिए मिडल फिंगर, मिडल फिंगर के नेल के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये सेकेंड ज्वाइंट, सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा पॉइंट आ जाता है ST36, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है ये ST36, एंड ये जो कॉर्नर है वो हमारा अंगूठे की तरफ है, थंब की तरफ है, ध्यान दीजिए आप। तो बैक साइड में हमारे 1, 2, 3, 4 पॉइंट आ जाते हैं हमारे बैक साइड में। तो ये जो टोटल आपको पॉइंट है, ये दोनों हाथ में प्रेस करने हैं। तो पॉइंट्स को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। अब देखते हैं इन पॉइंट्स की फंक्शनैलिटी क्या है और कैसे हम इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे प्रेस करना है। तो इस पूरे ट्रीटमेंट में हम हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि जो हमारे लंग्स का स्पॉन्जी करेक्टर है वो वापस आ सके। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हैंड के बैक साइड। ये देखिए जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है यूबी 13, ये हमारे लंग्स मेरिडियन का बैक शू पॉइंट है। तो ये हमारे लंग्स को, हमारी किडनी को टोन करता है, साथ ही साथ बैलेंस करता है। तो सर्दी लगते ही जो हमें छींकें आने लगती है या हमें खांसी हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसके अलावा लंग्स की कोई भी पुरानी बीमारी है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। उसके नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यूबी 37, तो ये हमारे लंग्स को बैलेंस करता है, लंग्स की एनर्जी को बैलेंस करता है, साथ ही साथ हमारे माइंड को भी बैलेंस करता है। तो जो एंजाइटी की वजह से, बेचैनी की वजह से या किसी दुख की वजह से जो हमारी सांसें फूलने लग जाती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है ये है GV12, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट है GV12। तो ये हमारे जो आर्टरीज होती हैं जिनमें जो टेंशन आ जाती है, जिससे हमारे हार्ट पर इफेक्ट आता है, हमारे जो हृदय पर दबाव पड़ता है, तो उन आर्टरीज की टेंशन को ये कम करता है। साथ ही साथ हमारे जो लंग्स का स्पॉन्जी करेक्टर है, जो हमारे लंग्स की फैलने की क्षमता है, सिकुड़ने की क्षमता है, उसको भी इम्प्रूव करता है। इसके बाद बैक साइड में ही हमारा जो पॉइंट आता है, पॉइंट ST36, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है। ये पॉइंट को स्टिमुलेट करने से हमारे जो बॉडी का एनर्जी फ्लो है वो प्रॉपर हो जाता है, साथ ही साथ जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, हमारे बॉडी के जो तरल पदार्थ हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो भी प्रॉपर हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हम हैंड के पाम साइड। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मिडल फिंगर, पॉइंट SP3, पॉइंट SP6, दोनों ही स्प्लिन मेरिडियन के पॉइंट है। तो हमारी जो स्प्लिन है, हमारे जो लंग्स हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन रहता है, तो उसको किसी और वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो लंग्स की प्रॉब्लम के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं पॉइंट CV4, CV12, CV17, तीनों ही हमारे कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के पॉइंट हैं। तो पॉइंट CV4 एंड पॉइंट CV12 ग्रेट हार्मोनाइजर पॉइंट है, पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर करने के लिए बहुत ही अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट CV17 पर। तो जो मैंने मेन एयरवेज आपको दिखाए थे, दो बिग एयरवेज आपको दिखाए थे जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है पॉइंट CV17। तो हमारा जो ब्रोंकियल अस्थमा है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। अस्थमा पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने आई बटन में भी दे दिया है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है, अगर इस पर छूने से हमें दर्द होता है, ये मानकर चलिए कि आपको जो है लंग्स में प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो इस पॉइंट पर छूने से आपको जरूर दर्द होगा। इसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट K6, किडनी मेरिडियन का पॉइंट है। ये पॉइंट हमारे किडनी को टोन करता है, किडनी की एनर्जी को टोन करता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, किडनी हमारे लंग्स और लीवर दोनों को ही एनर्जी प्रोवाइड करती है, दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करती है, तो इसलिए हम अपनी किडनी को भी टोन करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पॉइंट आ जाते हैं, पॉइंट LU9 एंड LU10, दोनों ही हमारे लंग्स मेरिडियन के पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हमारा LU9 जो है हमारे लंग्स मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है। बच्चों को अगर बहुत जल्दी थकान लगने लग जाती है तो आप इस पॉइंट को जरूर स्टिमुलेट कीजिए। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा मेन पॉइंट LU10, ये हमारे लंग्स मेरिडियन का फायर पॉइंट है। तो अगर हमारे लंग्स में जो है गर्मी बढ़ जाती है तो उस गर्मी को ये कम करता है, साथ ही साथ जो भी वाटर पैसेजेस हैं उनको रेगुलेट करता है, बॉडी के जो तरल पदार्थ हैं उनको रेगुलेट करता है, साथ ही साथ जो म्यूकस है हमारे थ्रोट में, हमारे लंग्स में जो म्यूकस बनता है हमारे सेफ्टी के लिए, तो उस म्यूकस को भी ये रेगुलेट करता है। अगर म्यूकस ज़्यादा बनता है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, म्यूकस कम बनता है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, तो उस म्यूकस को ये रेगुलेट करता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अब जल्दी से जान लेते हैं कैसे हमें इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है। अब इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में बताती आई हूँ, हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट्स ही होते हैं जो कि एक तरफ से येलो एंड दूसरी तरफ से ये वाइट होते हैं, ये देखिए, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी को घटाने बढ़ाने के काम आते हैं। इनको हम टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स भी कहते हैं। तो हम इन मैग्नेट्स का यूज़ करेंगे एंड इन मैग्नेट्स का, क्योंकि हमें लंग्स की एनर्जी को बढ़ाना है, स्प्लीन एंड स्टमक की एनर्जी को बढ़ाना है, तो यहाँ हम करेंगे टोनिफिकेशन। एंड टोनिफिकेशन के लिए देखिए, हम लेंगे एक पीस पेपर टेप एंड उस पर इस तरीके से मैग्नेट को चिपकाएंगे कि मैग्नेट का जो येलो पार्ट है, इस तरीके से देखिए, मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो स्किन को टच करते हुए हम मैग्नेट को चिपका देंगे। ये देखिए, एक पॉइंट पर मैं मैग्नेट अप्लाई करके आपको बता रही हूँ, मैग्नेट का जो येलो पार्ट है स्किन से टच करते हुए मैं मैग्नेट को अप्लाई कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स पर आपको मैग्नेट अप्लाई करना है। ये देखिए, मैग्नेट अप्लाई करने के बाद पेपर टेप के ऊपर से आपको मैग्नेट का वाइट पार्ट विजिबल होगा। तो इस तरीके से सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आपको मैग्नेट अप्लाई कर देना है। सिर्फ एक पॉइंट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट LU10, ये पॉइंट हमारे लंग्स की गर्मी को कम करता है। तो इसको, इसके लिए हम यहाँ पर इस पॉइंट की करेंगे सेडेशन, एनर्जी को घटाएंगे। ये देखिए, क्योंकि हमें गर्मी को कम करना है तो हम करेंगे सेडेशन। सेडेशन करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, हम लेंगे पेपर टेप एंड पेपर टेप पर इस तरीके से मैग्नेट को चिपकाएंगे कि मैग्नेट का जो वाइट पार्ट है वो स्किन को टच करेगा। तो इस पॉइंट पर हम मैग्नेट के वाइट पार्ट को टच करवाते हुए इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे एंड मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो पेपर टेप के ऊपर से इस तरीके से आपको विजिबल होगा, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आपको करनी है टोनिफिकेशन एंड सिर्फ इस पॉइंट की करनी है आपको सेडेशन। तो इस तरीके से जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आपको दोनों ही हैंड्स में अप्लाई करने हैं, दोनों ही हाथों में 7-8 घंटे के लिए, कम से कम 7-8 घंटे के लिए आप इन पॉइंट्स को यूज़ कीजिए, लगाइए। तो साथ में सोने से पहले आप इन मैग्नेट्स को यूज़ कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए एंड सुबह उठने के बाद आप मैग्नेट्स को रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट डे सेम मैग्नेट्स आपको यूज़ करने हैं, सेम मैग्नेट आपको रात में सोने से पहले अप्लाई करने हैं एंड उसके बाद आप रिमूव कर दीजिए। तो इस तरीके से कुछ दिन तक रेगुलरली आपको ये प्रोसीजर करना है। तो जिन लोगों की भी फेफड़ों में सिकुड़न है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस फूल जाती है, बहुत लॉन्ग टाइम से खांसी है, तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में जो है फेफड़े सिकुड़ गए हैं, तो इस तरीके की समस्या है, तो आप इन ट्रीटमेंट को जरूर कीजिए। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, आप जानना चाहते हैं कुछ और, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। लंग से जुड़ी आपकी और समस्या है तो आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड जिन लोगों को भी इस तरीके की समस्या है उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।